कक्ष और कक्षक में क्या अंतर है? तो कक्ष और कक्षक में अंतर जो है वो हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो कक्ष जो है वो n को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट नंबर वन, और कक्षक जो है वो m से रिप्रेजेंट होता है। ये आपके मुख्य क्वांटम संख्या का रिप्रेजेंटेशन है और ये आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या का प्रदर्शन करते हैं। दूसरी चीज, n है क्या? n बोर की परिकल्पना है, कक्ष बोर की परिकल्पना है, कक्ष कह दो, मुख्य ऊर्जा स्तर कह दो, मेन एनर्जी लेवल, ये वह मार्ग है जिस पर बोर ने कल्पना की थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये वो वृत्ताकार मार्ग है। इट इज एन इमेजिनरी प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर बोर इमेजिन दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। तो ये क्या हुआ, ये वो काल्पनिक मार्ग है। ये क्या है? काल्पनिक मार्ग है जिस पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षों में घूमता है, वृत्ताकार पथ पर घूमता है। सो ऑर्बिट इज एन इमेजिनरी प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रिज्यूम और एज्यूम टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जबकि कक्षक क्या है? कक्षक वह स्थान है अराउंड द, इट इज द प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस, किसके चारों ओर? नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जिस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है। इट इज द प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, अब कक्ष से हमको क्या मिलता है? तीसरा पॉइंट, कक्ष मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है, जबकि कक्षक हमें क्या बताता है? ये चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अभिविन्यास, कक्षक के या उपकोष के अभिविन्यास को दर्शाता है। ठीक है, फिर इससे हमको मिलता क्या है? कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम कितने हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 2n2। जबकि एक कक्षक में अधिकतम केवल दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और वे भी विपरीत चक्रण युग्म विद अपोजिट स्पिन। तो कक्ष और कक्षक में ये हम अंतर देखते हैं। कक्ष मुख्य क्वांटम संख्या है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। यह वो काल्पनिक मार्ग है जिसके चारों ओर बोर ने यह कल्पना की थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि ये वो वास्तविक स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। ये मुख्य ऊर्जा स्तर को भी रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये चुंबकीय क्षेत्र में अभिविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। एक कक्ष में ऑर्बिट में अधिकतम 2n2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जबकि एक कक्षक में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और वे भी विपरीत चक्रण युक्त। इनके लिए इसको s का मान +1/2 और s का दूसरा मान -1/2 होता। थैंक यू।